आज हम बनाने जा रहे हैं मुल्तानी मिट्टी का शैम्पू। मुल्तानी मिट्टी का शैम्पू हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मुल्तानी मिट्टी हमारे बालों को बहुत अच्छी तरह धोने में हेल्प करती है, हमारे बालों को ठंडक देती है, स्कैल्प को ठंडा रखती है। गर्मियों में ये बालों से स्कैल्प को ठंडक पहुंचाती है और मुल्तानी मिट्टी से एक शैम्पू की तरह काम करती है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। मुल्तानी मिट्टी में कोई पोषक तत्व तो नहीं होते, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह बालों को धोने के लिए एज अ शैम्पू काम करती है। मुल्तानी मिट्टी को हम हेयर केयर प्रोडक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे बालों को बहुत अच्छे से क्लीन करती है, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करती है और एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करती है। इसको हम यूज कर सकते हैं हेयर से रिलेटेड इश्यूज के लिए, जैसे डैंड्रफ हो जाना, ड्राई हेयर, हेयर फॉल होना। अगर आपके बालों के नीचे जो दो मुंह बाल हो जाते हैं उसको ये ठीक करती है, आपके बालों की लंबाई को बढ़ाती है, स्ट्रेट करती है आपके बालों को, आपके बालों का झड़ना रोकती है और अगर ड्राई है आपके हेयर उसको भी ये सॉफ्ट बनाती है, शाइनी बनाती है। साथ ही साथ ये आपके बालों में अगर डैंड्रफ है उसको भी खत्म करने में हेल्प करती है। इसलिए मुल्तानी मिट्टी का शैम्पू बहुत ही ज्यादा फायदा करता है बालों को हेल्दी बनाने के लिए, बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, बालों को झड़ने से रोकने के लिए। 1 टीस्पून इसमें हम आंवला पाउडर को ऐड कर देंगे। आंवले के इस्तेमाल से दो मुंहे बाल की दिक्कत से छुटकारा मिलता है, स्कैल्प पर जमी गंदगी हटती है, बालों का झड़ना रुकता है, हेयर ग्रोथ बूस्ट होती है, बालों पर चमक आती है, बालों को मजबूती भी मिलती है। बालों के फायदे यही खत्म नहीं होते, सिर पर जमे डैंड्रफ को भी दूर करने में आंवले का असर दिखता है। आंवले के सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये आपके बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में हेल्प करता है। इस शैम्पू को बनाने के लिए, मुल्तानी मिट्टी का शैम्पू बनाने के लिए और उसको और ज्यादा पोषण देने के लिए हम इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज करेंगे जो हमारे बालों को बहुत ही ज्यादा पोषण प्रदान करने वाले हैं। जैसे इसमें हम 1 टी स्पून शिकाकाई को ऐड करेंगे क्योंकि इसे लगाने से रूसी भी खत्म होती है, स्कैल्प की गंदगी दूर करने में ये हेल्प करती है, बालों के जो रोम होते हैं उसे बढ़ावा देने में हेल्प करती है। शिकाकाई के इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है और ये बालों को मजबूत करने में भी हेल्प करती है। अब हम उसमें झाग देने के लिए और इसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए 4 से 5 रीठा ले लेंगे। अगर आपके पास रीठा पाउडर है तो आप 1 टीस्पून रीठा पाउडर को ऐड कर दीजिए। अगर आप चाहें तो आपके पास रीठा, आंवला, शिकाकाई तीनों चीजें अगर पाउडर फॉर्म में नहीं है तो आप इनको भिगो लीजिए। एक आप शिकाकाई का 2 इंच का करीब शिकाकाई ले लीजिए और 4 से 5 आप रीठा ले लीजिए और 8-10 आप आंवले को ले लीजिए और इसको आप रात में भिगो दीजिए। सुबह आप इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसको छान लीजिए और छानने के बाद आप इसके पानी को मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर भी इसका शैम्पू बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप पाउडर पाउंगे तीनों चीजों को ले लीजिए। यहाँ पर मेरे पास रीठा साबित था इसलिए मैंने इसे रात में 4 से 5 रीठा को भिगो दिया था और इसको मैंने पीस लिया है, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और इसको छान लिया है। इसको भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे। रीठा हम यहाँ पर इसलिए डाल रहे हैं कि रीठा बालों पे शैम्पू की तरह काम करता है, इससे झाग भी बन जाते हैं। बालों से जुड़ी हुई समस्याओं को कम करने में रीठा बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि रीठे में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम को कम करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये स्कैल्प को ताजा और साफ रखने में भी हेल्प करते हैं, समय के साथ बालों की कई समस्याओं से बचाव करने में भी ये मदद करते हैं। तो इसलिए आप रीठा, आंवला, शिकाकाई तीनों को इसमें ऐड कर दीजिए और 1 बड़ा टीस्पून आप ले लीजिए मुल्तानी मिट्टी का और 1-1 टीस्पून आप इसमें रीठा, आंवला, शिकाकाई को ऐड कर दीजिए। रीठा, आंवला, शिकाकाई और मुल्तानी मिट्टी से बने इस मिश्रण से आप बालों का गिरना रोक सकते हैं,
बाल लंबे समय तक घने बना सकते हैं और डैंड्रफ से भी छुटकारा पा सकते हैं। आयुर्वेद में तो रीठा आंवला शिखाकाई और मुल्तानी मिट्टी को एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है जो आज से नहीं बरसों से इस्तेमाल होता आ रहा है। अगर आप चाहें तो सिर्फ मुल्तानी मिट्टी से भी अपने बालों को धो सकते हैं, लेकिन आप बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, बालों को हेयर फॉल से बचाने के लिए, बालों को मजबूती देने के लिए अगर मेरे बताए हुए तरीके से इसका शैम्पू बनाकर इसको यूज करते हैं तो आपके बालों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। यहाँ तक कि आपके बालों की सारी प्रॉब्लम को छुटकारा मिल जाने वाला है। गर्मी का सीजन चल रहा है, आप एक बार इस शैम्पू को बनाकर जरूर देखिए। आप इसको एक बार बनाकर रख लीजिए अपने बालों की लंबाई के हिसाब से और आप इसे हफ्ते के लिए बना लीजिए। हफ्ते में 2 या 3 बार आप इससे अगर अपने बालों को धोते हैं तो आपके बालों में कोई केमिकल नहीं पहुंचता है जिसकी वजह से आपके बाल डैमेज होंगे, क्योंकि आप कोई भी शैम्पू यूज कर लीजिए उसमें कहीं ना कोई केमिकल होता ही है जिसकी वजह से हमारे बाल डैमेज होते हैं। शैम्पू का काम सिर्फ आपके बालों को साफ करना होता है, इसके अलावा वो आपके बालों को कोई पोषण नहीं देता है। लेकिन अगर आप इस शैम्पू को यूज करते हैं तो ये आपके बालों को बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाला है और आपके बालों की सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलने वाला है। इस पेस्ट को आप किसी बॉटल में भर लीजिए और उससे आप अपने बालों में इसको तेल की तरह लगा सकते हैं, अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसे आधा घंटे या 1 घंटे अपने बाल धोने से पहले बालों में लगा रहने देंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं लगा रहने दे सकते हैं तो 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे अपने बालों में जरूर लगा कर रखें, क्योंकि इसमें हमने जो आंवला रीठा शिखाकाई को डाला हुआ है उसके गुड आपके बालों में पहुंचने चाहिए। अगर आप इसे आधा घंटा या 1 घंटा रख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप इसको 10 मिनट या 15 मिनट तक लगाकर रखिए और अपने बालों को सिर्फ और सिर्फ पानी से वॉश कर लीजिए। आप अपने बालों में चेंजेस को देख पाएंगे। अगर आपने इस शैम्पू से 1 महीने भी अपने बालों को धो लिया तो आप अपने बालों में बहुत ज्यादा स्मूथनेस देखेंगे और अपने बालों को शाइनी बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी। अगर आपको तो अच्छी लगी हो तो वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।